अस्सलाम वालेकुम मौजी दोस्तों, आज हम आए हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी और आज हम विज़िट करेंगे ओवरसीज़ ईस्ट की। ये वो पहली एंट्रेंस है जो सबसे पहले बनी थी कैपिटल स्मार्ट सिटी में। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने कुछ हॉर्टिकल्चर का काम किया है और थोड़ी सी कोशिश की है कि यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन वर्क जो है उस पर तवज्जो दी जा सके, और इतने ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत कामयाब हुए हैं। यहाँ से जैसे ये चक्री रोड से राइट होंगे तो अब हम ओवरसीज ईस्ट में दाखिल हो गए हैं। मेरे जैसे ही मैं यहाँ पे ओवरसीज ईस्ट वाले रोड पे दाखिल होऊंगा, मैं रॉन्ग साइड पे चला गया था, तो अभी मैं वापस जो ठीक वाली साइड है उधर से इन हो रहा हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे इन हुए हैं तो राइट साइड वाला जो एरिया, ये तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास नहीं है, ना इनके मास्टर प्लान में है, जबकि लेफ़्ट साइड पे ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये सारा ओवरसीज प्राइम का सेक्टर ए और बी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनी हुई है, गो के अभी यहाँ पे सिक्योरिटी कैमराज वगैरह इंस्टॉल नहीं हुए और लेटेस्ट जो गैजेट्स हैं जिनका वादा किया गया था वो अभी तक इंस्टॉल नहीं हुए, लेकिन ये कि जो मैनुअल सिक्योरिटी है वो ज़रूर आपको नज़र आ रही है। हॉर्टिकल्चर का जो काम है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप देखेंगे ये फूल पौधे बड़े होते जाएंगे। और ये जो रोड है, इस रोड पे मैंने अभी फ़िलहाल डिस्टर्बेंस देखी है, बहुत सारी जगह से ये रोड जो है हल्की फुल्की जो है वो बैठी है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर सही कॉम्पैक्शन नहीं की गई और वक्त के साथ साथ ये रोड मज़ीद बैठेगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी को चाहिए कि इन चीज़ों पे अभी से तवज्जो दें। जैसे जैसे आप आगे जाएं तो आपको ये नज़र आएगा कि यहाँ पे अभी सफाई सुथराई का ख्याल रखा जा रहा है। इस एरिए में क्योंकि डेवलपमेंट वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे अब हैवी मशीनरी का जो अमल दखल है वो ख़त्म कर दिया गया है। अगर हैवी मशीनरी यहाँ पर लानी भी होती है तो साइड पर कच्ची जगह से गुजारी जाती है। अब जो हैवी मशीनरी है उनको रोड्स पर आने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। यही वजह है कि जो रोड्स की टूट फूट का अमल है वो भी अब काफ़ी हद तक कम हो गया है। यहाँ पे ये आप बैरियर देख सकते हैं, ये वाले ये भी इसी पर्पज़ के लिए लगाए गए हैं ताकि जो हैवी मशीनरी है वो यहाँ पे एंटर ना हो सके। लेकिन फिर भी जैसे कि ये आप देख सकते हैं एक वाटर टैंकर आ रहा है, ये फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ ही जाती है हैवी मशीनरी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर जो सोसाइटी के ऑफिसेज हैं वो हैं। लेफ़्ट साइड पे जाएं तो जो हैमिल्टन्स इन्होंने विलाज लॉन्च किए हैं वो सारा एरिया आ जाता है, और राइट साइड पे अगर आप जाएं तो ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक सी बी के सामने से वो रास्ता निकलता है। यहाँ पे राइट और लेफ़्ट देखें तो डेवलपमेंट वर्क यहाँ पर सारा मुकम्मल हो चुका है और हॉर्टिकल्चर का भी काम यहाँ पे मुकम्मल कर लिया गया है। जाहिर है फूल पौधे दरख्त जो हैं उन्हें बढ़ने में फलने फूलने में महीने और साल चाहिए होते हैं, तो वक्त के साथ साथ ये फूलते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट वर्क है वो कंप्लीट है। यहाँ पे जो भी इनके प्लान्स हैं बस इंतज़ार इस बात का कि उसकी एग्जीक्यूशन की जाए। यहाँ पर ये रोड सामने जाके ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल सामने जो इमारत नज़र आ रही है ये स्कूल है, और ये स्कूल अब ऑपरेशनल भी हो गया है। यहाँ पे इन्होंने ये एक राउंड अबाउट बनाया और यहाँ पे व्यू पॉइंट है, खूबसूरत व्यू पॉइंट है। यहाँ से ओवरसीज़ ईस्ट का सारा व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ से हम वापस होते हैं और दूसरी तरफ चलते हैं।